बेहद ज्यादा हैरान करने वाले मामले रूस तो सामने आ रहे हैं, जिथे कि पंजाबी नौजवान या फिर भारत के नौजवानों नु जबरदस्ती रूस की सेना दे विच भर्ती करके यूक्रेन के विरुद्ध लड़ाई दे लई मजबूर किया जाता है। अजिहा ही मामला हुण पटियाला तो भी सामने आया, जिथे कि पटियाला के 20 साल के एक नौजवान नु रूस की सेना दे विच भर्ती किया गया है। तो उस नौजवान नु जिहड़ा है हुण मापिया दे वल्लों एक कथित तौर दे उत्ते दोष लगाए गए ने कि यूक्रेन दे विरुद्ध लड़न दे लई उसनू भी मजबूर किया जा रहा है। मापिया दा कहना है कि उन्होंने बेटी दे नाल गलबात साडी हुण बंद हो चुकी है, सानू बेहद ज़्यादा खुशी हुई सी जदों साडे बेटे ने इह सानू दस्सिया सी कि उह रूस की फौज दे विच भर्ती होया है, पर बाद विच सानू जदों हुण इह पता चलिया है कि किस तरीके दे नाल भर्ती किया गया है, बहुत ज़्यादा सानू अपने बच्चे की चिंता हो रही है, क्योंकि जिस तरीके दे नाल रूस दे विच इस वेले हालात बने हुए ने, लगातार ही खबरां नशर हो रही ने, मापिया दीआं चिंतावां भी वधदीआं होईआं नज़र आ रही ने। तां दस्सीए कि इह मामला सामने आया है पटियाला तो, तां रूस फौज दे विच जबरदस्ती भर्ती किए गए नौजवानों की एक जिहड़ी वीडियो वायरल हुई सी, जिस तों बाद पटियाला जिले के पिंड डकाला दे रहण वाले नौजवान गुरप्रीत दे माता पिता मीडिया के सामने आए ने। पत्रकारा दे नाल जदों गलबात की गई तो उन्होंने दस्सिया है कि उन्हों का बेटा गुरप्रीत 2023 दे विच जिहड़ा है स्पेन दे विच गया सी, जिथे 6 महीने बिताउण तों बाद वह वापस भारत आ गया। जनवरी 2024 दे विच जदों एक बार फिर तो चंगे भविख दे लई उह रूस गया सी तां उसनूं उत्थे गिरफ्तार कर लिया गया। नौजवान दे परिवारिक मैंबरां ने भावुक हुंदिया दस्सिया है कि गुरप्रीत दी माता बलजिंदर कौर अते पिता नायब सिंह ने हंझू भरिया अखां दे नाल कहा है कि उन्हां दे पुत्तर अपने चंगे भविख दे लई स्पेन गया सी, जदों उसनूं पता लग्गिया कि उह वापस आ रहा उदों तों ही उन्हां नूं चिंता सी कि रोटी रोटी दे लई उह की कुछ करेगा। फिर बाद विच गुरप्रीत दी माँ बलजिंदर कौर ने दस्सिया कि सानू बहुत खुशी हुई कि जदों साडा 20 साल का पुत्र जिहड़ा है रूस चला गया तो 15 दिन के अंदर ही उसनू नौकरी फौज दे विच मिल जाती है। पुत्र ने फोन करके सानू गल दसी कि फौज दे विच ओह नौकरी करन लग पिया, पर हुण सानू पता लग्गिया कि नौकरी दे पिछे कारण कुछ होर सी। उन्होंने दस्सिया कि बीती रात तो उन्होंने बेटे दे नाल वट्सअप दे उत्ते गलबात होई सी, ते उस तो बाद उन्हां दे बेटे दे नाल कोई संपर्क नहीं हो पाया है। उस वेर तो लगातार कोशिश कर रहे ने पर गल दोबारा नहीं हो पा रही ने। फिलहाल गुरप्रीत दे परिवार ने सरकार नूं अपील की है कि जल्द तो जल्द इस मसले दे वल ध्यान ला के साडे बच्चियां दे भविख नूं उज्जवल किया जाए ते वापस भारत लिआंदा जाए। दस दिए कि बीते 4-5 दिनों तो यह मामला काफ़ी ज़्यादा गंभीर हुंदा होया नज़र आ रहा है। गुरदासपुर जिले के कुछ नौजवान भी इस तरीके दे नाल रूस दे विच गए सन, घूमन फिरन टूरिस्ट वीज़ा दे उत्ते गए सन। बाद विच एक खबर सामने आती है, मापे दे वलों दोष लगाए जाते हैं कि उन्होंने बेटे नू कथित तौर दे उत्ते जिहड़ा है रूस दी पुलिस दे वलों गिरफ़्तार किया जाता है। पुलिस दे वलों गिरफ़्तार करन तो बाद भाषा नू ना समझण दे कारण उन्होंने वलों फॉर्म्स के उत्ते साइन करवा ले जाते हैं, बाद विच उन्हां नूं रूस की फौज के भर्ती कर लिया जाता है। तो हुण यूक्रेन मजबूर किया जाता है युद्ध के विच जाण दे लई। मापे काफ़ी ज़्यादा चिंता के विच लगातार भारत सरकार तो मंग कर रहे हैं, पंजाब सरकार तो मंग की जा रही है कि उन्हां दे पुत्रां नूं वापस भारत लिया जाए। मापे काफ़ी ज़्यादा सवाल सरकारां नूं कर रहे हैं कि जेकर सरकारां दे वल्लों नौकरियां उरे ही दित्तियां जांदियां तां साडे पुत्रां नूं विदेशों के विच जाण दी लोड़ नहीं पैंदी। फिलहाल हुण पटियाला तो भी सामने यह मामला आया है कि जिथे रूस दे विच एक होर जिहड़ा है नौजवान नूं जिहड़ा है मापिया दे वल्लों कहा जा रहा है कि रूस की फौज दे विच भर्ती कर लिया गया। 2024 दे विच यह नौजवान जिहड़ा है रूस जाता है, मापिया दा कहना तकरीबन 15 दिनों दे विच ही उस नूं सरकारी नौकरी मिल जाती है रूस की फौज दे विच, ते असीं काफ़ी ज़्यादा खुश होए सी कि साडे बच्चे दा भविख जिहड़ा है सुधर गया, पर बाद विच सानूं पता चलदा है कि साडा पुत जिहड़ा है जिहड़ा फौज दे विच भर्ती होया सी उसदे कुछ होर ही कारण दस्से जा रहे ने। तां लगातार मापे चिंता कर रहे ने, भारत सरकार तो मांग कर रहे ने उन्हां दे पुत्रां नूं वापस जिहड़ा है उह लिआंदा जावे। तां कमेंट दे जरिए प्रतिक्रिया तुसीं भी दे सकते हो। होर ताज़ा अपडेट जानने दे लई जुड़े रहो ABC पंजाब दे नाल।